नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में एक न्यू वैकेंसी को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पूरी जानकारी क्या है। वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, विभाग में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू। 550 आयुर्वेद कंपाउंडर पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति का इंतजार। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, आपको नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आयुर्वेद कंपाउंडर के 550 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रमुख शासन सचिव से मिल चुके हैं। जल्द विज्ञप्ति जारी करने का आश्वासन दिया चित्रमल सैनी, प्रदेशाध्यक्ष आयुष नर्सेज महासंघ के। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरी जानकारी क्या है। मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि रिक्त पदों को भरने के निर्देश के बावजूद 550 आयुर्वेद कंपाउंडरों की सीधी भर्ती अभी तक नहीं हुई। दूसरे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 450 पदों पर की जाने वाली भर्ती के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि TSP का सर्वे और DPC किया जाना प्रस्तावित है। DPC होने पर पदोन्नति होने के बाद आयुर्वेद कंपाउंडरों के करीबन 200 और ज़्यादा पदों पर भर्ती की जा सकेगी। पिछले 11 साल में करीबन 1000 आयुर्वेद कंपाउंडर के पदों पर भर्ती की गई। मौजूदा स्थिति में 7000 बेरोजगार अभिशार्थी है। हालात ये है कि प्रदेश भर में लाखों रुपए खर्च करके आयुर्वेद कंपाउंडरों का कोर्स किया गया, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। प्रमुख शासन सचिव सुरेश गुप्ता ने बताया कि 550 आयुर्वेद कंपाउंडरों के पदों पर भर्ती के लिए फाइल चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के पास भेजी जा चुकी है। जल्द विज्ञप्ति जारी होगी। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत भी PSC और CHC पर संविदा पर आयुष नर्सेज के 400 पद रिक्त है। दोस्तों, बड़ी अपडेट, 550 आयुर्वेद कंपाउंडरों की भर्ती जल्द विज्ञप्ति जारी होगी। तो चिकित्सा विभाग की यह बड़ी भर्ती है दोस्तों। आइए दोस्तों, देखते हैं पूरी जानकारी। इतनी ही थी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।